आज के लिहाज से इंट्राडे कॉल्स कौन कौन सी होंगी टॉप 10 वो हम आपके सामने रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इंट्राडे के लिहाज से है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए यहाँ पर। चलिए पहले शुरुआत करते हैं और मोतीलाल ओसवाल के कॉल से शुरुआत कर लेते हैं। टाटा स्टील पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। कल मेटल स्टॉक्स में भी हमने देखा था काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, आखिरी कुछ मिनटों में शानदार तेज़ी मेटल इंडेक्स में भी देखी गई, करीब 3% ऊपर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा था और आज भी वहाँ पर ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है बाइंग का। 950 के लेवल्स के लिए आप टाटा स्टील में खरीदारी कर सकते हैं और टाटा मोटर्स पर ज़रूर नज़र रखिए। काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पर व्यू निकल कर आ रहा है, ब्रोकरेज हाउस के रेडार पर भी है, खबरें भी निकल कर आ रही है इस पर, तो यहाँ नज़र रखिए। आज तेज़ी दिख सकती है स्टॉक में, 460 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 420 का। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी टाटा मोटर्स में खरीदारी की ही रणनीति ये सुझा रहे हैं, 420 का ही स्टॉप लॉस होगा। ये एक अहम सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए और ऊपर की तरफ 8 के लेवल्स टाटा मोटर्स में सुझा रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने भी मेटल स्टॉक में ही खरीदारी करने की राय दी है हिंडालको पर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 353 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 375 का। अब आगे बढ़ते हैं, केआर चौकसी की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी 1387 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट होगा 1411 का। और जेएसपीएल में भी खरीदारी करने की राय ये सुझा रहे हैं 346 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 358 का। अगले कॉल में बीएल में खरीदारी करने की राय यहाँ पर दी जा रही है 245 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 233 का सुझा रहे हैं। और एलेकॉन इंजीनियरिंग में भी खरीदारी करने की राय है आज के लिए 311 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 292 का। अब अगले कॉल्स में आते हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। कॉपर के प्राइसेस में जिस तरह से तेजी आई है, कंपनी को फायदा मिलता है इसका, 95 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। टाटा स्टील इनके भी रडार पर है, यहाँ पर नजर आप 925 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 888 का। और औरोबिंदो फार्मा में भी खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं 558 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 539 का। तो ये कुछ आज ट्रेडिंग की रणनीति सुझाई गई है, फोकस आज मेटल और ऑटो पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, खास करके टाटा मोटर्स यहाँ पर नज़र रखिए। और इसके अलावा मेटल स्टॉक्स भी आज एनालिस्ट को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, इसमें आपको टाटा स्टील में काफ़ी बुलिश नज़रिया दिखाई दे रहा है और हिंडालको और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी करने की राय आपको दी गई है, तो इन तमाम कॉल्स पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। बाजार कैसे थे, शानदार तेजी हमने कल देखी वीकली एक्सपायरी के दिन, कहां पर तेजी थी, कौन कौन से सेक्टर में एक्शन देखने को मिला, ये सब देते हैं और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। सौमित गुड मॉर्निंग, बताइए कल बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा? गुड मॉर्निंग, अगर कल की बात करें तो करीब 140 पॉइंट्स की गेंस हमें देखने को मिली जी, क्लोजिंग हुई थी 16,000 लेवल के ऊपर हुई थी निफ्टी की। निफ्टी पिछले दूसरे सेशन के लिए कंटिन्यूस गेंस कर रहा था और कल के गेंस जो थे वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक लीड कर रहे थे। निफ्टी बैंक इंडेक्स सिमिलरली उसी दम पे करीब 400 पॉइंट्स से गेन किए थे कल के ट्रेड में और निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप गेनर थे कल के ट्रेड में, करीब 4% के गेंस हमें डेज लो से भी देखने को मिले थे निफ्टी मेटल इंडेक्स में। और इसके पीछे का रीज़न था कि चाइना में स्टिमुलस अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अगर हम देखें तो सारे सेक्टर इंडेक्स में एक पॉजिटिव बायसनेस थी सिवाय कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में अच्छे खासे गेंस थे कल के ट्रेड में, पिछले दो दिनों से ये इंडेक्स कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा है, करीब 1% के गेंस थे कल के ट्रेड में। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर हम बात करें तो उसमें करीब 3% के गेंस थे और पिछले दो दिन से ये इंडेक्स भी कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा है। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मेटल स्टॉक्स का काफ़ी दबाव बना रहा कल निफ्टी 50 में, को टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील सारे स्टॉक्स गेन कर रहे थे क्योंकि चाइना में स्टिमुलस अनाउंस किया था जिसकी वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि कंजम्पशन बढ़ेगा और प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो टाइटन अच्छा खासा गेन कर रहा था कल के ट्रेड में क्योंकि जो Q1 के ऑपरेशनल अपडेट्स थे वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे और इसी दम पे ये गेंस हमें टाइटन में दिखे। एयरटेल में थोड़ी बहुत वीकनेस थी करीब 1% के आसपास की और अभी ये स्टेक सेल का ओवरहैंग होने के कारण ये वीकनेस हमें कल के ट्रेड में दिखी। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, HUL, नेस्ले ये सारे स्टॉक करीब 1% डाउन थे कल के ट्रेड में निफ्टी में। ओके, तो ये कल हमने निफ्टी का पूरा एक्शन समझा। इसके अलावा सौमित, कल बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से थे और आज कौन से अहम इवेंट्स होंगे जिस पर की नज़र रहेगी? कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो स्टार हेल्थ काफ़ी बस कर रहा था, क्रेडिट स्विस ने इनिशिएट किया था कवरेज स्टॉक पे बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो दिया था 600 रुपीज़ का। उसके पहले अगर हम देखें तो
फ्री फॉल दिखा था हमें स्टॉक प्राइस में, करीब 30% डिक्लाइन कर चुका था ये शेयर प्राइस, उसके बाद ये नोट आया और कल ये शेयर करीब 11% चल गया था कल के ट्रेड में। नायका की अगर हम बात करें तो उसमें भी अच्छे खासे गेंस थे, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अभी मेंस इनरवेयर और दूसरे कैटेगरीज में एंट्री करने वाले हैं, उसी दम पे ये गेंस हमें नायका में दिखे। कांसा नेरोलैक की बात करें तो अच्छे खासे गेंस थे, सारे पेंट कंपनीज कल के डेट में बस कर रहे थे क्योंकि क्रूड प्राइस में करेक्शन देखने को मिला था। सिमिलरली सीआर और अपोलो ये दोनों ही स्टॉक बस कर रहे थे क्योंकि अगेन क्रूड प्राइस गिरने का बेनिफिट टायर कंपनीज को भी होता है। एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो कल के दिन में जो गेंस थे वो हाईएस्ट थे पिछले 19 हफ्तों में कंपनी के लिए, और वॉल्यूम्स अगर खासकर हम देखें तो 9 टाइम्स से 20-day एवरेज के सामने। नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब दोनों ही स्टॉक 2 दिन से पहले गेन कर रहे थे बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुए, करीब 2-3% का डिक्लाइन दोनों ही स्टॉक में हमें कल के ट्रेड में दिखा। और सफायर की बात करें तो ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा था बट कल के ट्रेड नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो जीएमएम फॉडलर फोकस में रहेगा क्योंकि आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का किसी भी इन्वेस्टर के लिए, अगर वो बोनस इशू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। मार्क्सन फार्मा का जो बोर्ड मीट है जहाँ पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। रिजल्ट्स साइड में सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS अपनी रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है, और AGM में अगर हम देखें तो हैवेल्स इंडिया फोकस में रहेगा। उसी के साथ M&M ये स्टॉक फोकस में रहेगा। कल पोस्ट मार्केट कंपनी ने एक बड़ा EV बिजनेस में फंड इन्फ्यूजन अनाउंस किया है। आज 11:30 को कंपनी का प्रेस मीट और एनालिस्ट मीट है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा आज के ट्रेड में। बिल्कुल, तो M&M फोकस में रहेगा आज। कुछ देर पहले हम आपको खबर भी बता रहे थे और 11:30 बजे आज कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, काफ़ी कुछ अहम टेकअवेज वहाँ से भी आ सकते हैं, तो आज इस पर भी नज़र रखिए। और पूरे ऑटो पैक ही आज फोकस में रह सकता है, यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। थैंक यू सो मच सोमित फॉर दैट और सभी अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए।